हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं MI 11X का, जो कि मेरे को अमेज़ोन से 22,000 में पड़ा है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो आया था बिग बिलियंस डे के टाइम, अमेज़ोन पे भी ऑफ़र चल रहा था, तभी मैंने लिया है। HDFC से हमको 7,000 का कैशबैक मिला था, तो हमको ये 22,000 में पड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हो, लोगो अमेज़ोन और सब पैक्ड है, सील्ड पैक्ड है। अभी मैं आपके सामने अनबॉक्स कर रहा हूँ, देख सकते हो। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल काफ़ी फ्लैगशिप लेवल मोबाइल है, लेकिन बहुत सस्ते में हमको ये मिला है, बहुत अच्छा हुआ। जैसे कि इसमें आपको पता है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और सुपर AMOLED मिलता है, HDR10+ सपोर्ट है और काफ़ी चीज़ें इसमें कवर किया है MI ने। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 870 जो कि 7 नैनोमीटर पे बना हुआ है। प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला 5 लगा हुआ है। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, जो कि 1.8 FHR पे बना हुआ है, और बाकी के 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा मिलता है। इसमें आपको बैटरी थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलता है गाइस। इसमें आपको 4520 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है 33 वॉट तक, जो कि आपको 1 घंटे में फुल चार्ज कर देती है। 3.5 mm ऑडियो जैक आपको इस मोबाइल में नहीं देखने के लिए मिलता है। इस मोबाइल में उन्होंने कनेक्टर दिया है, जो कि सेम MI 10T के साथ इन्होंने दिया था। जैसे कि आप देख सकते हो, बॉक्स कंटेंट में आपको पहले तो मोबाइल, फिर उसके बाद एडेप्टर, फिर केबल, फिर एक कनेक्टर, फिर एक ट्रांसपेरेंट केस देखने के लिए मिलता है। इनो को अभी ट्रांसपेरेंट केस की जगह एक नॉर्मल सिलिकॉन केस अगर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहता, पर पता नहीं ये भी क्यों देते हैं कंपनी वाले। कनेक्टर की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मेरा MI 10T वाला जो था वही है, सेम टू सेम इसमें भी वही दिया है। इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, फ़ोन को बूट करते हुए पूरा मैं सेटअप कर लेता हूँ। इतने में थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ गाइस। अभी सेटअप हुआ कंप्लीट, और देखते हैं इस मोबाइल में ड्यूएल सिम प्लस मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं कि हाइब्रिड स्लॉट है, या देखते क्या चीज़ निकलता है। ओ, सेम टू सेम एस MI 10T, उन्होंने भी कोई मेमोरी कार्ड स्लॉट का जगह दिया ही नहीं है। इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो बस। मोबाइल की फिज़िकल ओवरव्यू की बात करें तो आपको राइट में फिंगरप्रिंट और वॉल्यूम रॉकर, टॉप में आपको IR ब्लास्टर, सेकेंडरी माइक, और नीचे आपको बॉटम में स्पीकर, ग्रिल टाइप सी और प्राइमरी माइक्रोफोन, और ये सिम ट्रे देखने के लिए मिलता है गाइस। देखते हैं इस मोबाइल में कौन सा OS दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एंड्रॉयड 11 के साथ ये फ़ोन आता है आउट ऑफ द बॉक्स, और आपको मई महीने का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिलता है गाइस। मैंने सुना है और इसमें 12.5 का एनहेंस वर्जन भी आ गया है। कैमरे में जंप करते हुए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चीज़ें देखने के लिए मिलेगा गाइस, लेकिन इसमें एक थोड़ा मुझे जो अफसोस लगा है, वो वीडियो में आपको 4K में 60 FPS आपको नहीं देखने के लिए मिलता है गाइस, ओनली अप टू 30 FPS आपको 4K में देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन में। और कैमरा की बात करें तो ये MI 10T मैंने ऑलरेडी कंपेयर किया है, एवरेज बोल सकते हो MI 10T इससे काफ़ी बढ़िया कैमरा क्वालिटी है उसका। अगर आपको कंपेयर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि आपको कंपेयर वीडियो MI 10T और MI 11X का चाहिए कि नहीं।
अभी फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का जल्दी से देख लेते हैं। फिंगरप्रिंट तो काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा था, फास्ट था, और अभी फेस अनलॉक भी आप देख सकते हो। हाइड, अभी ऐसे ही फेस दिखा, अनलॉक, इंस्टेंट अनलॉक, काफ़ी एक्यूरेट और फास्ट है। बस यही था गाइस इस वीडियो में MI 11X का अनबॉक्सिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे इसी तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। Yeah.